हेलो एवरीवन, आज हम लोग मसाला चना बनाएंगे। मसाला चना बनाने के लिए हमें चने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ मैंने 3 कप चना लिया है, इसको ओवरनाइट सोक कर दिया था। चना हमारा बहुत अच्छे से सोक हो गया है। अब मैंने इसको यहाँ कुकर में डाल के इसमें 2 ग्लास पानी डाला है और यहाँ नमक डालिए। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। नमक डालने के बाद यहाँ मैंने 1 चम्मच इसमें हल्दी डाल दिया है और यहाँ मैं 3 चम्मच धनिया डालूँगी। धनिया इसलिए ज़्यादा डलेगी क्योंकि इसमें धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चने में। और यहाँ मैंने 3 चम्मच धनिया डाल दिए। 1 चम्मच मिर्च डालूँगी पिसी लाल, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। यहाँ मैंने 4-5 खड़ी खटाई डाल दिया है और ये कड़वा तेल मैं डाल रही हूँ, मगर ये कड़वा तेल कच्चा है, पका हुआ तेल नहीं है। इसमें कच्चे तेल का फ्लेवर बहुत ही बेहतरीन आता है। आप भी कच्चे ही तेल को डालिएगा, पका हुआ तेल बिल्कुल मत डालिएगा। और तेल डालने के बाद आप इसको इस तरह से बहुत अच्छे से चला दीजिए। चलाने के बाद हम इसका ढक्कन अब लगा देते हैं। ढक्कन लगा के हमने इसका ढक्कन लगा दिया है। ढक्कन लगाने के बाद हमें इसको रख दिया है पकने के लिए। देखिए हमारे यहाँ सीटी आने लगी है। ये हमने 6-7 सीटियाँ ली हैं। 6-7 सीटी के बाद मैंने अपने चने को खोला है। देखिए मेरा चना कितना अच्छा पक रहा है अभी भी। और अब हम इसको चेक करते हैं ये कि ये चना गला है कि नहीं गला है। आइए देखते हैं। ये देखिए हमारा चना बहुत अच्छा बेहतरीन गल गया है। अगर आपका चना सख्त हो तो आप 2-3 सीटियाँ और ले लीजिएगा। यहाँ मेरा चना बहुत अच्छे से गल गया। इस चने को अब हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका पानी बिल्कुल सूख ना जाए। अब हम यहाँ पे 1 चम्मच खटाई डालेंगे पिसी हुई। पिसी खटाई डालने के बाद देखिए हमारा चना बिल्कुल सूख चुका है और पूरे चने पे देखिए कितना अच्छा मसाला चढ़ गया है। और चने को अब देखिए हम सर्व कर रहे हैं प्याज और नींबू, हरी धनिया के साथ और नींबू के साथ। थैंक यू।